हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन। राम मंदिर निर्माण सहित आज कई प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। दरअसल कल बैठक में केंद्र सरकार से हिंदुओं से किए गए सभी वादों को पूरा करने की मांग उठाई गई। बैठक का प्रमुख एजेंडा 2022 तक राम मंदिर का निर्माण है। जनसंख्या नियंत्रण कानून और कश्मीर से 370 और 35A को हटाने पर भी चर्चा हो रही है और देखना होगा कि इस अल्टीमेटम के बाद क्या अलग से कोई प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन हरिद्वार में चल रही है बैठक, जहां पर राम मंदिर निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। मसलन जो बैठक का प्रमुख एजेंडा है वो है मंदिर निर्माण और 2022 तक मंदिर निर्माण हो ऐसा अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और इस बैठक के माध्यम से क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, आज दूसरा दिन है और ताजा अपडेट्स के साथ बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ कुलदीप इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुलदीप, दूसरा दिन है आज बैठक का, एजेंडा जो सर्व प्रमुख एजेंडा मंदिर निर्माण का है, इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे हैं और आज के अगर बात करें तो बैठक में कितने सत्र, क्या कुछ है जानकारी आज की बैठक को लेकर? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में दो सत्र हैं। एक तो शुरुआत का अभी सत्र है पहला, जो तकरीबन 12 से 1 बजे तक चलेगा और इसके बाद दूसरा सत्र होगा। आज बहुत से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगेगी। कल जिस तरीके से जो बैठक हुई थी और उसमें जो भी प्रस्ताव आए थे, जो भी विषय आए थे, उन पर चर्चा हुई थी। सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त है वो राम मंदिर का है और संत समाज अब एकजुट हुआ है, वो चाहता है कि राम मंदिर बने। 2022 तक का अल्टीमेटम दिया है और मेरे साथ महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, आज बहुत अहम बैठक है, एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, क्या आप लोग सोचते हैं और क्या इसमें आगे करने जा रहे हैं? राम मंदिर बड़ा मुद्दा है और हम आश्वस्त हैं कि शीघ्र ही साल डेढ़ साल के अंदर राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। पहले भी जो पांच वर्ष बीते हैं मोदी सरकार के, उसमें भी हम आश्वस्त थे कि मंदिर बनेगा, परंतु उसमें कोई सफलता नहीं मिली तो हम साधु समाज काफ़ी नाराज थे। पर मोदी जी के आश्वासन देने के बाद कि कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार कानूनी कार्रवाई, ज़रूरत होगी तो कानूनी कार्रवाई करके अध्यादेश ला करके मंदिर मार्ग निर्माण के मार्ग प्रशस्त करेगी, तो हम सब आश्वस्त हैं। और हम तो अब ये चाहते हैं कि या तो समझौता के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जल्दी इसका निर्णय हो और हम इसका दबाव बनाना चाहेंगे कि ये इसको टाला न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कह दिया कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम ये आंदोलन चलाएंगे कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय है, हिंदू समाज का है, इसलिए इसको टाला नहीं जाए। जो भी कोर्ट को निर्णय देना हो, है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा निवेदन है कि बैठक जल्दी से जल्दी सुनवाई करके और निर्णय दे दे। कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम आश्वस्त हैं जो भी निर्णय होगा कोर्ट का, क्योंकि सरकार वचनबद्ध है हमारे लिए कि मंदिर निर्माण की सारी बाधाएं वो कानून बना करके अध्यादेश ला करके और करेंगी। इसलिए हम ये कोर्ट से निवेदन करते हैं कि कोर्ट जल्दी से जल्दी जो भी निर्णय उसको समझ में आए। ऐसे तो हम बड़े आश्वस्त हैं, सारे तथ्य हमारे पक्ष में हैं और हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगा, परंतु कोई अड़ता नहीं तो जो भी निर्णय देना हो कोर्ट को जल्दी से जल्दी दे दे, जिससे हमारे मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हो सके। केंद्र से क्या अपेक्षा है मोदी सरकार से? मोदी सरकार से यही अपेक्षा है कि उसमें जो बाधा आ रही है निर्माण में, जो विलम्ब हो रहा है, उसको दूर करे, उन बाधाओं को दूर करे कानून के द्वारा, और कोर्ट से भी वो आग्रह करें कि जल्दी से जल्दी कोर्ट इसको त्वरित सुनवाई करे और अपना निर्णय दे, जिससे सदियों से लटका हुआ मामला जल्दी से सुलझ सके। दो और अहम मुद्दे हैं जिसमें एक तो 370 अनुच्छेद को लेकर है और दूसरा एक और बड़ा इशू है जिसमें कि लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून बनाया जाए, उसको लेकर क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण तो एक राष्ट्रीय
जरूरत है और राष्ट्रीय क्या है, विश्व की जरूरत है, और उसके लिए हर देश का हर नागरिक जवाबदार है। हर नागरिक के लिए जरूरी है कि वह हम दो, हमारे दो और जो आने वाले हैं उनके ही दो ही रहें। और कल एक महात्मा हमारे कह रहे थे कि जो दो हैं उन्हीं को हम वोट दो, नहीं तो बाकी को नहीं। और उस पर यह कि उनका मताधिकार छीन लिया जाए, दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, तो कोई भी धर्म या संप्रदाय से मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति दो से ज़्यादा बच्चे उत्पन्न करता है तो उसको शासकीय सुविधाएं बंद कर दी जानी चाहिए, मताधिकार से उसको वंचित कर दिया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी कानून है। लगता है कि अब वक्त है 370 अनुच्छेद को हटाना चाहिए? बिल्कुल हटाना चाहिए, वो बहुत जरूरत है। और ये अस्थाई था, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 370 की धारा संविधान की मूल धारा नहीं है। ये संविधान लागू होने के बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जब पाकिस्तानी दबाव पड़ा तो वे भारत सरकार के पास आए और उन्होंने अपने राज्य के विलय का हस्ताक्षर किया है। तो ये जैसे ही उन्होंने विलय का हस्ताक्षर कर दिया, संविधान, भारतीय संविधान उन पर लागू हो गया था। बाद में वहाँ की स्थिति को, उथल पुथल को शांत करने के लिए एक अलग से अनुच्छेद 370 जोड़ा गया, विशेष अधिकार। और ये 370 से भी उतने खतरे नहीं है। ये 35A धारा है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और जबकि वो केवल है, वो ना तो संविधान के मूल में रही है, पहले अंबेडकर जी ने नहीं लिखा है उसको, और दूसरी बात है संसद के द्वारा भी वो पास नहीं हुआ है बिल, वो केवल राष्ट्रपति ने उस धारा को जोड़ा है, जबकि राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार कोई भी कानून बनाने को नहीं है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। ये बड़े मुद्दे हैं। तो ये तीन बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आज भी जो बैठक है उसमें चर्चा होगी। जो भी यहाँ संत समाज से जुड़े प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे वो अपने विचार यहाँ पर रखेंगे, और जो दूसरा चरण होगा उसमें ये जो तमाम सारे प्रस्ताव जो भी विषय आए हैं उनको पारित किया जाएगा। तो आज की जो बैठक विश्व हिंदू परिषद की है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मंडल की बैठक है, और अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक यहाँ शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखे आप कुलदीप, फिर आपके पास लौटेंगे और आगे अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।